हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं इस पॉट को डेकोरेट करूंगी। तो ये मेरे घर में वेस्ट गड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पॉट को डेकोरेट कर लूं एंड इसे अट्रैक्टिव बना लूं। तो मैं इसके ऊपर पहले पीओपी के साथ डिज़ाइनिंग करूंगी, तो फिर काफ़ी ही अट्रैक्टिव लगेगा एंड थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा। पहले भी मैंने एक गड़े को पेंट किया था लेकिन वो सिंपल किया था। तो ये मैंने पीओपी का मिक्सचर मिक्स कर लिया है, तो उसमें मैंने पीओपी डाली है एंड पानी डाला है। तो वॉल पट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं, वॉल पट्टी ही यूज़ की है मैंने भी। तो अब हम इसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे इस गड़े के ऊपर। तो गाइस, अभी ये वॉल पट्टी के मैंने ये कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, तो इसके ऊपर गम लगा के हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। तो सभी फ्लावर्स मैं अब इसके ऊपर गम के साथ चिपका दूंगी। तो गाइस, अब हम इन्हें वाइट पेंट करेंगे, तो साथ में ही फ्लावर्स को भी वाइट पेंट कर देंगे एंड गड़े को भी वाइट पेंट कर देंगे। वाइट पेंट हो चुका है, अब हम इसे रेड पेंट करेंगे। तो रेड पेंट हो चुका है पॉट को, अब हम फ्लावर्स को येलो पेंट करेंगे एंड साथ में ब्लू पेंट करेंगे। तो ये वॉल पट्टी है, इसके अंदर पानी मिक्स करके हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो फिर हम इस मिक्सचर के साथ बर्ड्स बनाएंगे जो हम अपने पॉट्स के ऊपर चिपकाएंगे। तो जैसे मैंने पॉट के ऊपर डिज़ाइनिंग की है, वैसे ही मैं बर्ड्स बनाऊंगी एंड फ्लावर्स बनाऊंगी इस वॉल पट्टी के साथ।
तो गाइस ये मैंने बर्ड्स रेडी कर लिए हैं, तो इनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अगर आप चाहोगे कि मैं सेम ऐसे बर्ड्स दोबारा से बनाऊं एंड उनकी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं इनकी वीडियो भी बना दूंगी साथ में। तो अब हम इन बर्ड्स को पेंट करेंगे। तो अब इन दोनों बर्ड्स को मैंने चिपका दिया है इस पॉट के ऊपर गम के साथ एंड वॉल पट्टी के साथ। गाइस ये मैंने बटरफ्लाइज बनाई हैं, तो इनके नीचे ये स्टिक्स मैंने रखी हुई हैं, तो ताकि हम इनको हैंग कर सकें, ये देखिए आप। तो अब मैं इन तीनों बटरफ्लाइज एंड इस बर्ड को मिला के हम इन्हें पेंट करेंगे। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट पेंट करेंगे इन सभी को। पॉट रेडी हो चुका है, तो ये तो मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की थी सभी पेंट पे कर दी है। तो ये मैंने बर्ड्स बनाए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो उनको पेंट करके पीओपी के साथ बिल्कुल चिपका दिया है, तो अब ये बिल्कुल भी उतरेंगे नहीं। तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये पॉट कैसे का लग रहा है। मुझे तो ये पॉट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस ये हमारा पहला पॉट था, तो उसके ऊपर ये पॉट मैंने जो डेकोरेट कर दिया है, तो इसके बीच में मैंने ये फ्लावर्स भी डाल दिए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना। जो मैंने बर्ड्स बनाए थे पीओपी के उसके साथ वो भी लगा दिए हैं अपने इंडोर गार्डन में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको ये बटरफ्लाइज कैसे की लग रही है।